आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आप ES पॉइंट को देख रहे हैं। आज हम लोग एक स्टोरी है द ओपन विंडो, उसको हम लोग देखेंगे। और इस कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो इस कहानी को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। आप रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये चीज़ें आपने देख रखी है। और मैंने पार्ट टू का जो 50 मार्क्स का इंग्लिश है, उसका ऑलमोस्ट सारी कहानियाँ मैंने करवा दी है। एक ये वाला बच रहा था द ओपन विंडो, जो अभी मैं करवा दूंगा। और एक और कहानी है पैकिंग भी बच रहा है, तो हो सके एग्जाम्स पहले मैं उसको भी कवर कर दूं। तो पहले आज देखते हैं द ओपन विंडो। ओपन विंडो को पढ़ना शुरू करते हैं। और ये जो मैं कंटेंट लिया हूँ, ये गेस्ट पेपर का है, जसपाल गेस्ट पेपर का, वहाँ से मैंने ये लिया हूँ। बस आपको समझना है, ठीक है, चीज़ें मैं जो समझाना चाहूँगा बस वो समझना है। लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो राइटर हैं इस स्टोरी के, जिनका नाम है AZ गार्डनर, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, कौन थे, कहाँ से थे और ये इतना महान क्यों थे। क्योंकि क्या हुआ था, एक पिछले साल 2020 में क्वेश्चन आया था इनके बारे में लिखने के लिए, तो थोड़ा सा आइडिया होगा तभी तो लिख पाओगे। तो वीडियो को लास्ट में उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं द ओपन विंडो। अब देखो इस कहानी की थोड़ा सा टाइटल को समझो, द ओपन विंडो, तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि इस कहानी में बात किसकी करी जाएगी, विंडो की बात करी जाएगी। तो ये कहानी में द ओपन विंडो टाइटल यूँ ही नहीं दिया गया है, जरूर विंडो की चर्चा होगी कहानी में, ठीक है। और इस कहानी में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मस्ती मजाक कर लेते हैं। एक वीडियो क्लिप चलाता हूँ, कॉपीराइट आए चाहे ना आए, लेकिन आप लोग देखिए उसको, ठीक है, उस क्लिप को। मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा। जी हाँ, इस कहानी में कुछ उसी तरीके की घटना है। माने तो एक मेन रहता है, एक उसकी पत्नी रहती है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ रहती है। हस्बैंड जो होता है ना, एकदम पत्नी की बात को टाल नहीं सकता है। हाँ कहेगी तो हाँ करेगा, ना कहेगी तो ना करेगा, ठीक है, हाँ में हाँ मिलाने वाला ऐसा जोरू का गुलाम होता है उसका हस्बैंड। और उसी जोरू को गुलाम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, यहाँ पर हैंडपेक्ड, ठीक है, हैंडपेक मतलब जोरू का गुलाम। तो इस कहानी को समझते हैं, आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है कि किनके द्वारा लिखा गया था। तो ये जो कहानी है बहुत ही सुंदर कहानी है, और ये कहानी जो लिखा गया है AZ गार्डनर के द्वारा लिखा गया है। इन द ओपन विंडो AZ गार्डनर प्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ हैंडपेक्ड हस्बैंड इन अ इंटरेस्टिंग वे। कहने का मतलब है ये जो ओपन विंडो है AZ गार्डनर के द्वारा लिखा गया है, और इस कहानी में AZ गार्डनर ने एक जोरू के गुलाम को काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग बना करके दर्शाया है, ठीक है। अब इस कहानी को समझो, कहानी मैं सुना रहा हूँ, बस आप ध्यान से सुनते जाना। बस एक बार की बात है, हमारे जो राइटर हैं AZ गार्डनर, वो एक रेलवे से सफ़र कर रहे थे, रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, तो बैठे हुए थे। और उन्होंने देखा एक हस्बैंड वाइफ भी उसी ट्रेन में, उसी कंपार्टमेंट में वो भी बैठी हुई है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में। और उन्होंने एक चीज़ और देखा कि उन्हीं के जस्ट बगल में, हस्बैंड वाइफ के जस्ट बगल में एक जेंटलमैन, एक इंसान बैठा हुआ है। तो AZ गार्डनर ने इन तीनों को देखा, हस्बैंड वाइफ एक सीट पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के जस्ट थोड़े दूर में बगल में एक जेंटलमैन बैठा हुआ है। और वो जो जेंटलमैन था वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा था, क्योंकि विंडो जो था वो ओपन था, ड्यू टू ओपन विंडो। ओपन विंडो रहने से क्या हो रहा था, वो अनकंफर्टेबल इसलिए था क्योंकि जो खुला हुआ खिड़की था उससे काफ़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम था, तो हवा बहुत ठंडी ठंडी आ रही थी, और बेचारे को ठंड लग रही थी। अब ठंड लगेगा तो कोई भी इंसान अनकंफर्टेबल तो होना ही है, वो जेंटलमैन भी अनकंफर्टेबल था। और ये सारी चीज़ें AZ गार्डनर देख रहे थे बैठ के वो भी, ठीक है। फिर वो जो जेंटलमैन है वो, उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो वो बोला उस हस्बैंड वाइफ को, सबसे पहले तो वाइफ को बोला, मैडम प्लीज़ क्लोज द विंडो। तो मैडम थोड़ी ऐठी हुई थी, समझ रहे हो, ऐठी हुई थी, बोली नहीं करेंगे। तो इस तरीके का सिचुएशन था, तो बट द लेडी डिड नॉट डू सो। तो फिर जेंटलमैन क्या करता है, जेंटलमैन देखता है कि अब पत्नी तो बात नहीं मान रही है, सोचता है पति मान ले, तो पति से फिर रिक्वेस्ट करता है जेंटलमैन। पति जो होता है वो उसकी प्रॉब्लम को समझ जाता है, द हस्बैंड अंडरस्टूड हिज डिफिकल्टीज,
देन क्या करता है, वो खोलने के लिए तैयार भी हो जाता है, वो खोलने भी जाता है, और इट वॉज हिज ड्यूटी टू क्लोज द विंडो। हस्बैंड सोचता है ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ड्यूटी है कि हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा कर्तव्य बन रहा है कि इस विंडो को क्लोज कर दूं। हस्बैंड ऐसा सोच लेता है, बट होता क्या है वो करता नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी बगल में थी और बीवी का खौफ था। अब बीवी के अगेंस्ट तो जा नहीं सकता है ना, जाएगा तो बहुत बड़ा बवाल कर देगी बीवी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे वो हस्बैंड जो था उसके दिल में दया भी था, वो अपना ड्यूटी निभा भी रहा था, निभाना भी चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी की टेरर, टेरर मतलब उनके डर के, उसके खौफ के कारण वो ऐसा नहीं करता है, और विंडो जो है वो ओपन ही रहता है, ओपन विंडो। ठीक है, वही लिखा है, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट द विश ऑफ हिज वाइफ, द टेरर ऑफ हिज वाइफ मेड हिम फॉरगेट हिज ड्यूटी। अपने वाइफ के खौफ से, डर से वो जो अपना ड्यूटी है वो भूल जाता है निभाना, और नहीं उसको बंद करता है, क्लोज नहीं करता है विंडो को। फिर आगे देखिए, इतना सब देखने के बाद एजी गार्डनर तो पीछे बैठ के देख ही रहे थे, एक जेंटलमैन और इन दोनों के बीच में चल रहा था बाद विवाद। ठीक है, तो एजी गार्डनर को एक कहानी याद आ जाती है बहुत पुरानी, और वो कहानी को फिर इस स्टोरी में डाल देते हैं। तो ये सेकेंड कहानी है, ठीक है, यहाँ तक ये पहला कहानी समझ लिए। फिर एजी गार्डनर ये सब देखते हुए इनको एक बहुत पुरानी कहानी याद आने लगती है, और वो कहानी थी यहाँ पर लिखी गई, आप देखो। एक समय की बात है, गार्डनर रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन था, ठीक है, पी ई आर है तो यहाँ पर सही कर लेना। एक पर्सन था वो किसी सड़क पे अपनी पत्नी के साथ जा रहा था गाड़ी में बैठ करके। तो उस सड़क में क्या हुआ, सामने से एक किसान आ रहा था अपने कार्ट में, कार्ट मतलब ठेला बोल लो, घोड़ा गाड़ी बोल लो, बैलगाड़ी कुछ भी बोल सकते हो, कार्ट में वो आ रहा था। अब सिचुएशन ऐसा था कि वहाँ पे रोड पतला था, आप समझते हैं ग्रामीण क्षेत्र का रोड था, तो वो रोड पतला होने के कारण अब जाएगा तो कोई एक ही कैसे जाए, किसान का ठेला जाए या उधर से जो बैठे हुए हैं कार में वो जाए। तो वहाँ पे क्या हुआ, पति को लगा कि उसका ड्यूटी है कि गाड़ी को पीछे ले लें और फार्मर जो जा रहे हैं, किसान भाई ठेला पे जो भी हैं, उनको जाने दे। तो हस्बैंड ऐसा सोच रहा था, ड्यूटी उसको लगा ऐसा, उसका कर्तव्य था, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, लेकिन पत्नी का टेरर इतना था उसके अंदर, इतना टेरर था उसके अंदर कि वो सारा रूल नियम कानून तोड़ ताड़ के ब्रोक द लॉ एंड वो गाड़ी उधर लेकर चला गया आगे, पत्नी के खौफ से ही गया ना बंदा। वो चाह रहा था कि नहीं यार, लग रहा है उसको मेरा ड्यूटी है, मैं पीछे लूँ गाड़ी को, गाड़ी को पीछे करूँ, लेकिन पत्नी का भी खौफ था, साथ में पत्नी बैठी हुई थी, समझ रहे हो। तो ऐसे ये कहानी देखो, वही लिखा गया है, टेरर ऑफ हिज वाइफ वुड नॉट अलाउ हिम टू डू सो, द पुअर पर्सन वॉज इन टीयर, द पुअर पर्सन वॉज इन टीयर, बेचारा वो गरीब रोने लगा ऐसा देख करके, ठीक है, बिटवीन हिज ड्यूटी एंड द टेरर ऑफ हिज वाइफ। करना चाह रहा है मदद लेकिन कर पा नहीं रहा है, उसकी वाइफ वैसी है, जोड़ू का गुलाम बना के रखी है बेचारे को। तो बेचारा फार्मर भी सोच रहा है कि कैसा जिंदगी है यार इन दोनों का। देन जो उसका पति होता है वो ये सब देख करके कि वो चाहते हुए भी हेल्प नहीं कर रहा है, वो अपने कर्तव्य और अपनी पत्नी के बीच में फंस के रह गया है, और उसी कारण उसके आंसू भी आ जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जो फार्मर होते हैं वो समझाते हैं कि बेटा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, कि मेरे घर में भी एक ऐसी पत्नी है और बिल्कुल इन्हीं की तरह ही की है, और मैं भी एक झोलू का गुलाम ही हूँ, तो मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही है तुम पे। द फार्मर सेड दैट ही कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, ही हैड ऑल्सो ए वाइफ लाइक दैट, सो ही वेंट बैक टू मेक अ रूम फॉर द पर्सन। फिर वो जो फार्मर वो पीछे हटता है और रूम बनाता है पर्सन के लिए, और एट द एंड पत्नी खुश होती है और वो जाती है, और फार्मर जो रूम बना दिया, रूम मतलब जगह खाली कर दिया रोड का, और फिर उनका गाड़ी आगे चल जाता है, फार्मर साइड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी ख़त्म होती है, और ये कहानी एग्जांपल दिया है एजी गार्डनर ने। ठीक है, हमारा कहानी शुरुआत हुआ था एक जोड़ू का गुलाम से, ट्रेन वाला कहानी वो अलग है, और ये जो कहानी मैंने सुनाया रोड वाला ये अलग है। ये कहानी जो रोड वाला था वो एजी गार्डनर उस घटना को देख के याद कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ,
गार्डनर फेल्ट पिटी ऑफ दिस हस्बैंड, ठीक है। गार्डनर जो हैं, एजी गार्डनर जो राइटर हैं, उनको थोड़ा सा दया आता है, कहते हैं कि ये हस्बैंड कितने बेचारे होते हैं। गार्डनर फेल्ट पिटी फॉर दिस हस्बैंड्स, ही नोटिस्ड हाउ ए जेंटल मैट गेट डाउन एंड वेट फॉर द अनदर कंपार्टमेंट। उस ट्रेन में जो वो जेंटलमैन बैठा हुआ था, वो खिड़की बंद करने के लिए कह रहा था, लेकिन खिड़की बंद नहीं किया हस्बैंड अपनी पत्नी के खौफ से, और पत्नी तो शुरुआत में ही नहीं की थी ना, तो वो दोनों ने विंडो को क्लोज नहीं किया। तो वो जो जेंटलमैन था ना, वो ट्रेन से उतर गया और दूसरे डब्बे का, दूसरे कंपार्टमेंट का वेट करने लगा। अब उस दूसरे कंपार्टमेंट में वो बैठेगा और फिर वो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देन द लेडी आस्क्ड हर हस्बैंड टू क्लोज द कॉरिडोर डोर विच हैज़ लेफ्ट ओपन। फिर वो जो उनकी पत्नी होती है ट्रेन में बैठी हुई, और वो बोलती है गेट बंद कर दीजिए ट्रेन का जो खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए गेट बंद करने के बाद क्या होता है, देन सी सिट अप टू एंजॉय हर ट्रायंफ। ट्रायंफ मतलब होता है जीत। फीमेल्स लोग को, पत्नी लोग को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा काम की है, ऐसा काम करके यहाँ पे मेरी जीत हो गई, मैंने विंडो जो है क्लोज नहीं किया, मैं अपनी चीज़ पे डटी रही तो मेरी जीत हो गई। लेकिन ये इस सब जैसे पत्नी ना एक नंबर की बेवकूफ़ होती है, ठीक है। मतलब ये अपनी खुशी मनाने लगी, जीत का जश्न मनाने लगी, लेकिन पति जो था ना या ट्रेन में बैठा हुआ, उसको बुरा लग रहा था अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो, गार्डनर सेड दैट इफ हस्बैंड वेयर फोर्स टू लिव लाइक दैट दे मस्ट बी ऑब्जेक्ट ऑफ पिटी। पिटी मतलब बेचारा, ठीक है, दया भाव से गार्डनर देखते हैं, कहते हैं कि अगर हस्बैंड, अगर पूरे दुनिया में जो हस्बैंड्स हैं अगर ऐसे रहने लगे तो दे मस्ट बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ पिटी, PITY, ठीक है। पिटी मतलब दया हो गया, बेचारा हो गया, तरस हो गया, तरस तरस आती है एजी गार्डनर को ऐसे हस्बैंड्स पे लाचार देखते हुए, ठीक है। फिर गार्डनर डिस्क्रिप्शन इज अम्यूजिंग विच मेक्स अस लाफ। We also notice the painful helplessness of the husband. There was conflict between duty and terror. The poor hand-packed husband was pitiable creature. So the open window is more sad than amusing. ठीक है, एजी गार्डनर ने इस कहानी को कुछ इस तरीके से दर्शाया है जिसको शुरुआत में जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको थोड़ा मज़ा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में एक गाना बजाया था तो आपको लगा होगा बहुत अच्छा कहानी होगा, ठीक है। लेकिन वो गाना सुनने के बाद की जो कहानी मैंने बताई, आपको लगा कि कैसे एक जो हस्बैंड होता है वो बेचारा होता है, कैसे जो एक हस्बैंड है उस पर तरस आता है ऐसे हस्बैंड्स को देख करके, ठीक है। कैसे जो है हस्बैंड अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य और अपनी पत्नी के बीच में फंस कर रह जाता है बेचारा, ठीक है। और वो एक तरीके का पिटिएबल क्रिएचर है। पिटिएबल क्रिएचर मतलब समझ ही रहे हो, पिटी से बना है पिटिएबल, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। उसके बाद सो द ओपन विंडो इज मोर सैड देन अम्यूजिंग। अम्यूजिंग से ज़्यादा ये कहानी एक बहुत ही सैड कहानी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आप लिख के आ सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में आ जाता है कि एसी गार्डनर के बारे में लिखिए, तो देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ ओवरव्यू। एसी गार्डनर का जो जन्म हुआ था 1865 में हुआ था, एंड इसका डेट जो हुआ था 1946 में हो गया था, ठीक है। ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट, ये एस्से लिखा करते थे, और ये जो ओपन विंडो है ना इसको कहानी ना करके आप एस्से कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट ऑफ द स्कूल ऑफ मोंटेगन एंड लैम, ठीक है। ही इज बेटर नोन फॉर हिज रीडर्स बाय द पेन नेम अल्फा ऑफ द प्लाउ, ठीक है। इनका जो है ये फेमस क्यों है एजी गार्डनर, ही इज बेटर नोन, ही इज फेमस फॉर टू द हिज रीडर्स बाय हिज पेन नेम। उनका जो पेन नेम है अल्फा ऑफ द प्लाउ, ये उसके कारण बहुत ही विख्यात है पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती पे, ठीक है। उसके बाद लिखा है विच ही अडॉप्टेड इन द रिस्पॉन्स टू द इन्विटेशन ऑफ द एडिटर ऑफ द स्टार टू विच ही कंट्रीब्यूटेड ए नंबर ऑफ हिज एसे, ठीक है। He was a prolific essayist and his best collection of the essays are entitled The Pillar of the Society, Pebbles on the Shore, Leaves in the Wind, etc. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि आप
खुद से इसको पढ़ें, और एग्जाम में अगर आता है, ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है, आपसे बस यही पूछेगा इसका समरी लिखने, ठीक है। लेकिन कई बार हो जाता है, कभी कभार आ जाता है, तो ये वाला आप इनका बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, इनके कौन थे, कहाँ से थे, इनके दो चार रचनाएं लिख लेना, जैसे कि इनके दो चार एस्से का मैंने एग्जाम्पल अभी सुनाया, जैसे कि द पिलर ऑफ द सोसाइटी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, द पीबल्स ऑन द शोर इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, लिव्स इन द विंड इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन है, उसको खत्म कर देते हैं। He brings out the significance of the most trivial things and communicates the knowledge and wisdom in an entirely informal, modest and intimate and delightful manner. ठीक है, ये इनका ऐसा तरीका था अपने कहानी अपने इससे लिखने का। उसके बाद गार्डनर का स्टाइल कैसा था, ही इज ईजी क्लियर लूसिड एंड फ्लेक्सीबल, ठीक है, लूसिड जिसको आसानी से समझा जा सके। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा, और जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अभी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कहानी के साथ। आपका जो बच रहा है सिलेबस में, बस एक ही बच रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।